हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रेट प्लाजो। और फ्रेंड्स, मैंने इसको स्ट्रेट प्लाजो को बहुत ही इजी तरीके से समझाया है इस वीडियो में। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इजी तरीके से इसको बना सकते हो। ये हमारा फाइनल लुक रहेगा, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपकी लेंथ कम है, लंबाई कम है, तो 2.25 मीटर कपड़े से भी आपका बन जाएगा। मेरी इसमें लंबाई ज़्यादा है, 40 इंच है, इसलिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब इसको कपड़े को हम खोल के इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया। देखिए, ये दोनों जो किनारी हैं वो हमारी एक साइड आएगी। मेरी साइड बंद साइड है, ऊपर ये हमारी खुली साइड है। अब जो ऊपर से हम अपने कपड़े को करेंगे सीधा, जो कान होती है उसको हम निकाल देंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और जो टेढ़ा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। ऐसे इसको कट कर देना है। अब देखिए, ये हमारा सीधा हो गया कपड़ा। अब हम अपने कपड़े का सेंटर निकालते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे इंची टेप को रखना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे तो ये हमारे इस कपड़े का सेंटर निकलेगा। ऐसे यहाँ भी हम अपने इंची टेप रखेंगे और फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे तो ये हमारे कपड़े का सेंटर निकल जाएगा। तो ऐसे ही सेंटर निकालना है, ये देखिए ऐसे। अब हम ऊपर ये जो सेंटर का निशान लगाए हैं इस पे हम अपनी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए ऐसे। अब हम ऊपर 2 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड में। ये हमारा रहेगा इलास्टिक के लिए, जो हम अपना इलास्टिक डालेंगे। ऐसे 2 इंच का निशान लगा लिया। अब जो हमने फ्रेंड्स जो 2 इंच का निशान लगाया इसका भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ये देखिए, हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच रखा है। अब इलास्टिक का छोड़कर आगे हम अपनी तैयार जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। जितनी आपकी तैयार लंबाई है उसका निशान लगाना है। इसमें मेरी तैयार लंबाई है 40 इंच, मैं 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस साइड भी 40 इंच पे निशान लगा लूंगी। दोनों साइड में 40 इंच का निशान लगा लिया, देखिए ये। और जो हमने निशान लगाया है इसी पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, आपका जितना हो तैयार लंबाई वो उसका निशान लगा के फिर लाइन ड्रॉ करना है। नीचे हम जो अपना बॉटम है वो फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। 2 इंच का निशान लगाना है नीचे फोल्ड करने के लिए। और अब जो निशान लगाया है इस पे भी हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हो गया हमारा इलास्टिक के लिए 2 इंच का, बीच में जो ये है, हाँ, ये हमारी तैयार लंबाई, और नीचे हमारा बॉटम में फोल्ड करने के लिए 2 इंच का। अब हम लगाएंगे इसमें हिप का निशान। अब हिप इसमें मेरी है 42 इंच। 42 इंच का हम करेंगे फ्रेंड्स चौथा भाग, तो मेरा हुआ 10.5 इंच। और 10.5 में हम प्लस में 2.5 इंच करेंगे तो टोटल हुआ 13 इंच। 13 इंच का हम आधा करेंगे तो 6.5 इंच हुआ। तो 6.5 इंच हम सेंटर के इस साइड में लेंगे और 6.5 हम सेंटर के उस साइड में लेंगे। आपका जितना हिप हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें प्लस में 2.5 इंच करना है। और जो टोटल आएगा फिर उसका आधा करना है, तो आधा सेंटर के इस साइड में और आधा इस साइड में। तो ये देखिए, मेरा 6.5 मैंने इस साइड में और 6.5 इस साइड में, तो मेरा टोटल हो गया 13 इंच। अब जो ऊपर हमने निशान लगाया है उतना ही हम अपना आसन का रखेंगे। तो मैंने ऊपर 13 इंच रखा है तो आसन भी मैं यहाँ पे 13 इंच का ही निशान लगा रही हूँ आसन के लिए। और अब इस पे जो हमने ये 13 इंच का निशान लगाया है ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब ये जो हमारा ऊपर 6.5 था इस साइड, 6.5 इस साइड, वो ही हम अपना सेंटर का, ये देखिए ये 6.5, वो ही 6.5 हम इधर निशान लगा लेंगे सेंटर के इस साइड में और 6.5 इस साइड में। आपका जितना है वो ही निशान लगाना है, ये देखिए ऐसे। अब इसको हम मिला देंगे इन दोनों निशान को, ये देखिए इसको ऐसे मिला दिया और इसको भी मिला देंगे, जो ऊपर 6.5 का लगाया था और जो नीचे 6.5 का, इन दोनों को मिला दिया है। ये हमारा इस तरीके से आएगा, ये देखिए ऐसे। अब हम जो हम लगाएंगे अपना क्रोच एरिया का निशान आगे, जो क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, जो हमारी एक किनारी है खुली साइड है उस साइड में,
तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पे। अगर हैवी साइज नहीं है तो 2 इंच पे आप लगा सकते हो, लेकिन 40 से अगर आपका ऊपर है तो 2.5 इंच पे लगाना है। अब तिरछी लाइन लगाएंगे हम, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे अपनी शेप लगाने के लिए, और 1.5 इंच का निशान लगा के और उस पे ऐसे शेप लगा लेना है। अब नीचे हम रखेंगे बॉटम का। बॉटम इसमें मुझे तैयार बॉटम चाहिए 8 इंच, और प्लस में 2 इंच करेंगे हम तो हुआ 10 इंच, और 10 इंच का हम आधा करेंगे तो 5 इंच हुआ। 5 हम सेंटर के इस साइड में लेंगे और 5 इंच हम सेंटर के इस साइड में लेंगे। दोनों साइड में हम निशान लगा लेंगे 5 5 इंच का। आपको जितना तैयार बॉटम चाहिए उसमें प्लस में 2 कर लेना और फिर आधा कर लेना, तो आधा सेंटर के इस साइड में और आधा इस साइड में। तो ये देखिए मैंने 5 इंच सेंटर के उस साइड में, 5 इंच सेंटर के इस साइड में है, और जो हमने ये निशान लगाए हैं इससे हम अपनी कर्व वाली जो स्केल होती है उससे हम ऐसे शेप लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप हल्के हाथ से भी शेप लगा सकते हो ऐसे। ये देखिए ऐसे, और अब ये हमने निशान लगा दिया है। अब स्केल को इस साइड में रख के इधर भी सेम जैसे उस साइड में हमने निशान लगाया वैसे ही हम इस साइड में निशान लगा देंगे। स्केल नहीं है तो भी आप अपने हल्के हल्के हाथ से भी आप लगा सकते हो, ऐसे निशान लगाना है। और फिर ये जो है हमारा, देखिए इस पे हम करेंगे कटिंग। ये ऊपर जो है हमारा इलास्टिक हमने छोड़ा, ये लाइन भी हम ऊपर बढ़ा देते हैं। ये देखिए ऐसे, ये लाइन ऊपर बढ़ा दी हमने, और अब इस पे हम करते हैं कटिंग। तो ये देखिए मैंने ये कटिंग की है, इस तरीके से कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम, ये हमारा है फ्रंट पार्ट, अब हम काटेंगे अपना बैक पार्ट। तो सेम तरीके से ही कपड़ा लेना, जैसे हमारा बिछा हुआ था वैसे ही वो कपड़ा लेना है। ये सेम तरीके से मैंने वो कपड़ा लिया जैसे फ्रंट पार्ट में हमने काटा था। ये देखिए ऐसे, अब किनारी उस, ये किनारी है मेरी साइड, बन साइड है, ये हमारा जो सेंटर था, हम सेंटर का जो निशान लगा रहे थे, और इस पार्ट पे भी वैसे ही हमें सेंटर निकालना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सेंटर निकाला था। इंची टेप रखा था, फिर मोड़ा था, सेंटर निकाला था, वैसे ही निकालना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, अब इसकी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं समझ में आए कहीं भी कुछ भी, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए मैंने ये सेंटर निकाल लिया है। अब हम ऊपर लगाएंगे 2 इंच का निशान। अगर आपकी हैवी साइज नहीं है, 40 इंच से कम है तो आपको लगाना यहाँ पे 1.5 इंच का, और 40 इंच से अगर ज्यादा है तो आपको 2 इंच का निशान लगाना है। इसमें मेरी 40 इंच से ज्यादा है हिप साइज, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये हमारा पीछे की साइड बैक साइड का रहेगा, तो जब हम बैठते हैं तो ये हमारा नीचे की साइड नहीं जाएगा प्लाजो, इसलिए यहाँ पे ये हम बढ़ा के लेंगे अपना फ्रंट पार्ट से, बड़ा रहेगा ये हमारा बैक पार्ट। तो मैंने 2 इंच रखा है, आपकी हैवी नहीं है तो आप 1.5 इंच पे भी लगा सकते हो, 1.5 इंच पे लगाना। अब हम लेंगे हमारा फ्रंट पार्ट जो हमने पहले कटिंग किया था, वो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, और जो ये 2 इंच है ये हम छोड़ेंगे ऊपर की साइड। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर ये जो है 2 इंच का निशान लगाया था वो छोड़ा है, उसके बाद मैंने अपना फ्रंट पार्ट रखा है, और सेंटर से सेंटर मिलाना है। ये देखिए मैंने सेंटर से सेंटर मिलाया है, ये देखिए ये हमारा जो सेंटर है वो सेंटर मिलना चाहिए, एकदम बराबर रखना है सेंटर से सेंटर, नीचे का भी और ऊपर का भी पूरा सेंटर मिलाना है। अब ये जो लाइनें हैं इसको भी हम ऊपर बढ़ा देंगे, जो अपना एक्स्ट्रा था ये नीचे का पार्ट, ये लाइनें भी ऊपर तक हम बढ़ा देंगे ऐसे। अब इधर देखिए जो हमने यहाँ कोना है, इस कोने से ऐसे स्केल रखेंगे और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये बैक पार्ट जो है उस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए ये बैक पार्ट पे किया है ये, और इस पे हमें करनी है कटिंग। अब ये बढ़ाया है, अब इसकी हम करेंगे कटिंग यहाँ से, और कहीं भी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, सेम तरीके से कटिंग करनी है इसकी। अब जैसे हमने फ्रंट को काटा था वैसे, ये देखिए अब नीचे से सेम तरीके से कटेगा हमारा, जो हमने अपना फ्रंट पार्ट काटा था वैसे ही।
ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग इसकी, ऐसे मैंने इसको कट किया है। ये देखिए ये हमारा जो बैक पार्ट है वो हमारा बड़ा है, बढ़ा हुआ है देखिए। अब इसमें हमें थोड़ा कटिंग करना है फ्रंट पार्ट में, अब हम कटिंग करेंगे थोड़ा ऊपर से भी इसमें कटिंग करना है। अब यहाँ जो आसन की साइड है उस साइड हमें 1 इंच छोटा करना है अपने फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पे आसन की साइड, और यहाँ से कोने से हम इसको मिलाएंगे। बस ओनली आसन की साइड हमें 1 इंच कम करना है फ्रंट पार्ट को। तो ऐसे कोने पे रखना है एकदम स्केल को, और आसन की साइड जो हमने निशान लगाया 1 इंच का उस पे, अब जो हमने ये निशान लगाया है इसकी भी हम करते हैं कटिंग। यहाँ से इसकी हम कटिंग कर देंगे, ये इधर 1 इंच का निशान, ये देखिए ये कटिंग हो गया, ये आसन हमारा 1 इंच कम हो गया। ये हमारी हो गई है फ्रेंड्स कटिंग। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट और ये ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट, ये दोनों पार्ट्स हमारे कट गए हैं। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो मैंने अपलोड किया हुआ है एक पहले से ऑलरेडी, आप वहाँ जाके, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो स्टिचिंग का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।